मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का मध्य प्रदेश के उपचुनाव में अब प्रचार नहीं कर पे, बड़ो सवाल है। सवाल इसे है काहे के उमा भारती को भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल करी है, लेकिन उमा भारती अबे बीमार हती और आज उनने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए बताओ है कि वे पूर्णतः स्वस्थ हैं, लेकिन अबे 10 दिना और डॉक्टरों ने उनको आराम करने की सलाह दी है। कुल मिला के लगभग 25-26 तारीख तक उमा भारती को आराम की सलाह दी गई है और इसके बाद भी आते ही साथ चुनाव प्रचार करने की स्थिति में हुई है कि नहीं हुई है, जो भी बड़ो सवाल है। लेकिन अगर 3 तारीख को होने वाले उपचुनाव के पहले उमा भारती चुनाव प्रचार करवे की हालत में नहीं भई या वे भोपाल नहीं लौटी तो भारतीय जनता पार्टी को अच्छी खासी मुश्किलों को सामना करने पड़े। विशेष तौर पर बड़ा मलहरा सीट जो उमा भारती के अच्छे खासे प्रभुत्व वाली मानी जात उतः प्रद्युम्न सिंह लोधी को उमा भारती के सहयोग की बेहद ज़रूरत है। काहे का उनको मुकाबला भी कांग्रेस पार्टी की रामसिया भारती से है जो खुद भी एक साध्वी हैं और इनके अलावा मध्य प्रदेश में सांची मुंगावली समेत कई सारी सीटें लोधी बाहुल हैं और उन सीटों पर उमा भारती को अच्छो खासो प्रभाव माने जात। ऐसे में अगर उपचुनाव के पहले उमा भारती पूरी तरीके से स्वस्थ होकर भोपाल नहीं लौटती और भोपाल आके अगर चुनाव प्रचार नहीं करती तो कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ सकत है। फिलहाल अच्छी खबर यही है कि उमा भारती स्वस्थ हैं और वे बेहतर स्वस्थ होकर दीर्घायु बनी रहे, यही कामना है। बुंदेली बौछार की शानदार खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं, तभी पूरी खबरें आपके पास आ पाएं।